हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इनिसफ्री के राइस शीट मास्क के बारे में। सो दिस इज़ द पैकेट। तो ये बेसिकली एक 20 ml का प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस है ₹100, जो स्टैंडर्ड प्राइस है ऑलमोस्ट एवरी शीट मास्क की। तो ये स्पेसिफिक जो शीट मास्क है ये राइस वेरिएशन का है, और राइस जो होता है वो डल स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, या ऐसी स्किन जो थोड़ी खींची खींची हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो आई थॉट कि चले विंटर का महीना है, सो दिस विल बी अ वेरी गुड शीट मास्क टू ट्राई ऑन। पहली बार है कि मैं इनिसफ्री का कोई शीट मास्क यूज़ करने वाली हूँ, तो चले हम स्टार्ट करते हैं और हम इसे खोल के देख लेते हैं। ओके, तो इसमें से बेसिकली सीरम जो है वो ड्रिप नहीं हो रहा है, और ये सीरम जो है ना ये थोड़ा वाइटिश है, जैसे चावल का पानी जैसे होता है उसी की तरह है। ऑफ कोर्स दैट इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज ये एक राइस का शीट मास्क है। तो चले हम इसे ओपन कर लेते हैं, और जब भी आप शीट मास्क यूज़ कर रहे हों तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपका फेस जो है वो प्रॉपरली क्लेंस कर लें। सो दिस इज़ व्हाट द शीट मास्क लुक्स लाइक। तो चले नाउ आई विल ट्राई एंड पुट इट ऑन माय फेस। एंड एक बात मैं आपको बता दूं, आई थिंक साइज़ के हिसाब से ना ये शीट मास्क काफ़ी प्रॉपर है, क्योंकि मेरे फेस को जनरली शीट मास्क जो होते हैं वो इतनी अच्छे से बैठ नहीं जाते। सो इन कंपैरिजन ये काफ़ी अच्छे से बैठ रहा है। तो साइज़ के हिसाब से आई विल से अगर आपका चेहरा छोटा है तो ये शीट मास्क जो है वो आपके फेस पे शायद प्रॉपरली बैठ जाएगा, और बस ये जितना एक्सेस आ रहा है तो उसे नीचे मैं अपनी नेक पे भी लगा देती हूँ, और काफ़ी हाइड्रेटिंग लग रहा है। लेकिन अभी मैं ये शीट मास्क जो है उसे मैं ऐसे ही अपने फेस पे अराउंड 15-20 मिनट्स रख दूँगी, और अराउंड 15-20 मिनट्स के बाद आई विल चेक इन एंड आई विल गिव यू माय फुल रिव्यू। 22-25 मिनट्स हो गए हैं और अब हम इसे निकाल देते हैं। सी एंड ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, एंड ऑनेस्टली इफ़ आई हैव टू से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शीट मास्क आई हैव ever use। और इनफैक्ट अगर आप ये पैकेट में भी देखेंगे तो अंदर काफ़ी ज़्यादा सीरम आपको मिल जाएगा, जो आप आपके हाथों पे, आपके एल्बोज पे स्पेशली अगर आप यूज़ कर देंगे तो दैट विल बी रियली रियली गुड। इन टर्म्स ऑफ माई ओपिनियन अबाउट दिस शीट मास्क, आई थिंक दिस इज़ Definitely one of the best sheet masks I have ever used, क्योंकि इसके जो hydration का nature जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। Like honestly my skin feels different on another level, and because शायद ये एक थोड़ा heavy serum है उसके हिसाब से, I think if you have dry skin तो आपके skin के ऊपर ये amazingly काम करेगा। लेकिन overall normal skin, combination skin, ऑयली स्किन, ये तीनों स्किन के लिए ये शीट मास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इवन इफ योर स्किन इज सेंसिटिव, आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। लेकिन दिस पर्टिकुलर शीट मास्क आई विल डेफिनेटली रेकमेंड दिस फॉर विंटर्स, क्योंकि विंटर्स के टाइम आपकी स्किन जो है उसको नरिशमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, और ये शीट मास्क उसे अमेजिंगली प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ यूज़ आप इसे हफ्ते में अगर एक बार यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन डेफिनेटली विल रिमेन एट द टॉप ऑफ इट्स गेम। फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स हावेवर विंटर में आप इसे दो बार यूज़ करें, ताकि विंटर की जो वो एक्स्ट्रा ड्राइनेस होती है वो आपके फेस को बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करेंगी।
In terms of my particular opinion, I think this is definitely a top-notch sheet mask and definitely is Itsarpitatime approved. I highly recommend it in terms of its hydration, in terms of the overall effect, in terms of the price. It is definitely the best sheet mask out there on the Indian market right now, and I will definitely stock up a lot more of the Innisfree sheet masks in the future. So I think that's it from me for this particular review. Hopefully आपको ये जो Innisfree का sheet mask का review है वो पसंद आया होगा. And in the near future, in fact, मैं definitely और Innisfree के ज़्यादा sheet mask use करना खुद पसंद करूँगी and मैं उसका review भी करूँगी. So that's it from me for this particular video. मैं मिलूँगी आपको मेरे अगले video में. तब तक के लिए, bye bye.